भोले के रंग में रंगने को हो जाइए तैयार। इस शिवरात्रि ऊना में होगा बहुत कुछ खास। तलमेड़ा शिव मंदिर आयोजित करने जा रहा है धार्मिक कार्यक्रम। 20 फरवरी को भगवान शिव की महिमा का गुणगान, जिसमें हाजिरी भरेंगे तलवाड़ा से गायक जस्सी हीर और रोपड़ के सचिन शाह। दुल्हन से सजेगा मंदिर और 21 को चार पहर की पूजा। तो इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए आप भी हैं सादर आमंत्रित। ये जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल की तलमेड़ा ग्राम पंचायत है। यही शिवालिक की पहाड़ियों पर विराजमान है सदाशिव ध्यूंसर महादेव। करीब 5,500 साल पुराना ये मंदिर है, जो ऊना मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। श्रद्धालु ऊना से बडूही और बडूही से जोल होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। एक और रास्ता खुरवाई से जोल और ऊना भोटा मुख्य मार्ग पर नलवाड़ी से भी है। हालांकि मंदिर की इतनी मान्यता है कि श्रद्धालु कहीं से भी रास्ता बनाते हुए यहां पहुंच जाते हैं। श्रावण माह में यहां तिल धरने को जगह नहीं मिलती। सोमवार को भी मेले जैसी रौनक होती है। 24 घंटे लंगर की सुविधा है और दिव्यांग श्रद्धालुओं को लिफ्ट लगा दी गई है। मंदिर की प्रसिद्धि से जुड़ी हजारों मान्यताएं हैं, लेकिन एक सच्ची घटना से आपको अवगत करवाते हैं। वर्ष 1937 में स्वामी ओंकारानंद गिरिजी महाराज को भोले शंकर ने स्वप्न में आकर उन्हें इस पहाड़ी पर पहुंचने और वहां तप तपस्या करने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1947 में सनातन उच्च विद्यालय सोहारी के प्रधानाचार्य शिव प्रसाद शर्मा डबराल के सहयोग से स्वामी ओंकारानंद गिरिजी महाराज ने मंदिर के दर्शन किए थे। उन्होंने बताया था कि वास्तव में ये वही स्थान है जो स्वप्न में उन्हें दिखाई दिया था। पर से ही ये मंदिर धोमेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1937 में यहाँ पर स्वामी ओंकारानंद गिरिजी महाराज को एक स्वप्न में भगवान भोले शंकर जी ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि ध्यूसर पर्वत पर आप भोले शंकर जी की पूजा करें। तभी से ओंकारानंद जी महाराज ने खोज करते हुए इस भोले शंकर जी के स्थान को ढूंढने का प्रयास किया और वर्ष 1947 में उन्होंने इस भव्य भोले शंकर जी के स्थान की यहाँ पर उन्होंने खोज की। उसी प्राचीन समय से यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। आइए हम आपको भगवान भोले शंकर जी के दर्शन हेतु मंदिर के परिसर में भगवान भोलेनाथ जी की प्राचीन जो शिवलिंग है, यहाँ पर हर रोज हजारों श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान जी के दर्शन करते हैं। धोमेश्वर महादेव सदाशिव मंदिर में ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये अपने आप ही यहाँ पर स्थापित हुए हैं और इनकी जो गहराई है, जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई तब से इसके शिवलिंग की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया और ये अपने आप में भगवान भोले शंकर जी का वरदान है।
मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं को बैठने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े शेडों का निर्माण किया गया है, बैठने के लिए उचित व्यवस्था की है, हर जगह आपको बहुत बढ़िया व्यवस्था मिलेगी और बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए भी यहाँ पर बहुत बढ़िया झूले वगैरह जो भी खेलने का बच्चों का सामान है वो यहाँ पर लगाया गया है। और वहीं उसके साथ इस मंदिर के विकास कार्यों के लिए मंदिर कमेटी द्वारा लाखों रुपये प्रतिमा खर्च किए जा रहे हैं। आइए हम सदाशिव मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी प्रवीण शर्मा जी हैं, आइए हम इनसे मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल दिव्य हिमाचल टीवी का जो है बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सदाशिव मंदिर में यहां पे पधारे हैं और मंदिर के प्रचार प्रसार हेतु जो है आप उचित कदम उठा रहे हैं। तो मैं मंदिर के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है, यहाँ पे आने वाले हर श्रद्धालु की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। 5600 साल पुराना इसका इतिहास है, पंडित जी आपको विशेष रूप से इतिहास के बारे में बताएंगे। तो मैं मंदिर के विकास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर में सबसे पहले जो है यहाँ पे नीचे कीर्तन हाल का निर्माण किया गया, बहुत बड़े यह लंगर हाल का निर्माण किया गया, यहाँ पे 20 शौचालयों का निर्माण किया गया, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था के लिए जो है कमरों का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है मंदिर के चारों तरफ जो ये आप पित्तल देख रहे हैं, ये सोना बिल्कुल सोने की तरह लग रही है, ये इसका सारा जो है इसको संजोया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा एक सपना था मंदिर में गौशाला का जो संचालन करना, वो यहाँ पे अभी गौशाला ट्रस्ट द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग हमारे पास 55 गौएं हैं और जो है मंदिर में जितनी भी ज्योतियाँ जगती हैं वो शुद्ध देसी घी से, जो शुद्ध गाय देसी गायों का घी है उनसे उनके जगती हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को जो दिव्यांग या बुजुर्ग लोग थे जो मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने में असमर्थ रहते थे और नीचे से माथा टेक के चले जाते थे, उनकी मतलब उनको जो आने वाली कठिनाई को सामने रखते हुए जो है ट्रस्ट ने फैसला लिया, यहाँ पे जो है एक बहुत बढ़िया ओटिस कंपनी की जो है लिफ्ट का निर्माण करवाया गया। अब जो दिव्यांग और जो असमर्थ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। हफ्ते भर में यहाँ पे लगभग जो है दिन में लगभग दर्जन ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जो है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो है गरीब कन्याओं की शादी में मदद की जाती है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो है नीचे हमारे तलमेड़ा में सराय में एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र लगाया जाता है जो कि हर सप्ताह लगाया जाता है, इसमें 2 डॉक्टर्स, 1 कंपाउंडर और उसमें जो है अन्य और स्टाफ जो होता है वहाँ पर। और इसके अलावा और हमारी कई कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही हैं, इसमें हमने कुछ जो बच्चियाँ जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, एक बच्ची हमने जो MBBS कर रही है उसको अडॉप्ट कर रखा है, उसकी जो सालाना फीस है उसकी आधी फीस जो है मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। ऐसे किसी की किडनी फेल है, किसी का जो है हार्ट फेल, हार्ट में स्टंट पड़ा है, तो ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिन्होंने अपने कार्ड नहीं बनवाए हैं, स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो जो जेब से पैसा खर्च रहे हैं, तो उनकी भी हम जो है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आर्थिक मदद कर रहे हैं। शिवरात्रि पर्व के लिए क्या तैयारियां हैं? तो अभी शिवरात्रि देखिए हमारी 20 तारीख को जो है यहाँ पे विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा शिवरात्रि वाले दिन, और 20 तारीख तक जो है हमारा कीर्तन हाल जो है यहाँ पे युद्ध स्तर पर जो है मार्बल लगाने का कार्य जो है चला हुआ है वो 20 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा। 21 तारीख जो है को जो 4 पहर की पूजा होगी, 20 तारीख को जागरण है, और 21 तारीख से इस 17 तारीख से जो है, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, 17 तारीख से जो है वो 22 तारीख तक एक रासलीला का प्रोग्राम जो है यहाँ पे ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसके अलावा जो है पूरी भरपूर तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए जो है हम वचनबद्ध हैं, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे कठिनाई ना हो, उनको किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, ऐसी चीज़ जो है हमारे ध्यान में है।